क्वेश्चन है, डिफाइन हाइपोक्सिया, इनुमरेट द वेरियस टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ आर्टेरियल ब्लड और ड्यू टू डिक्रीज इन O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड और ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज। तो यह तीन कारण हो सकते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है उसके लिए। तो ये हो गए हमारे डिफिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया। देर आर फोर टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। तो सबसे पहला है आर्टेरियल हाइपोक्सिया, दैट इज हाइपोक्सिक। दूसरा है हाइपोकाइनेटिक, दैट इज स्टैगनेंट। थर्ड है एनेमिक और चौथा है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये हो गए हमारे चार टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। सबसे पहला है आर्टेरियल हाइपोक्सिया। तो इसमें क्या आता है, इज द वन वेयर पीओ टू ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज लेस देन द नॉर्मल बट ओ टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एंड द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉर्मल। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टेरियल हाइपोक्सिया, जहाँ पे पीओ टू ऑफ आर्टेरियल ब्लड कम हो जाता है। तो इसके कॉजेस क्या है, ऑन द हाई एटीट्यूड वेयर द पर्सन इज एक्सपोज टू लो एटमोस्फेरिक पीओ टू। तो ये पहला कॉजेस। दूसरा है ब्रीदिंग आर्टिफिशियल गैस मिक्सचर विद लो पीओ टू। तीसरा है हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू एनी कॉज। चौथा है डिफ्यूजन लिमिटेशन ड्यू टू लॉस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन वेरियस पल्मोनरी डिसीज। पांचवा है ड्यू टू वेंटिकुलर परफ्यूजन रेशो इन बैलेंस लीडिंग टू फिजियोलॉजिक शंट फॉर्मेशन। और लास्ट है एनाटॉमिक शंट। तो ये छह कॉजेस है किसके, आर्टेरियल हाइपोक्सिया के। एनेमिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया इज हाइपोक्सिया रिजल्टिंग ड्यू टू डिक्रीज इन ओ टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ओके, इन दिस पीओ टू ऑफ आर्टरियल ब्लड एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो आर नॉर्मल। ये हो गया हमारा एनेमिक हाइपोक्सिया। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कॉजेस इसके, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनीमिया, अल्टर्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड विच इज नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग ओ टू। इसके एग्जाम्पल्स है इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और मिथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जी हो गया हमारा एनेमिक हाइपोक्सिया। उसके बाद हमारा स्टैगनेंट हाइपोक्सिया ड्यू टू इनएडिक्वेट रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज। ओके, इसकी वजह से होता है पीओ टू ऑफ आर्टरियल ब्लड एंड ओ टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड आर नॉर्मल, इट मे बी जनरलाइज और लोकलाइज। ओके, तो स्टैगनेंट हाइपोक्सिया में भी जनरलाइज होता है और किसी पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है। तो कॉजेस क्या है, जनरलाइज्ड स्टैगनेंट हाइपोक्सिया ड्यू टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और लोकलाइज्ड स्टैगनेंट हाइपोक्सिया ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन रीजनल वेसल सच एज एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। तो ये हो गया हमारा स्टैगनेंट हाइपोक्सिया। और लास्ट आता है हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ टिश्यू देमसेल्स टू यूटिलाइज ऑक्सीजन इज कॉल्ड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये होगा मेरा डेफिनेशन। उसके बाद इट इज नॉट ट्रू हाइपोक्सिया बिकॉज ओ टू सप्लाई ऑफ द टिश्यू इज एडिक्वेट, इट रिजल्ट ड्यू टू मेटाबोलिक पॉइजन सच एज साइनाइड। जो होगा हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये हो गए हमारे चार टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया हमने देख लिए।